Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamata Goyal, head of the Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. Pathogenesis ली थी अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में मेरे, और अब हम ले रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स जो जो हुए थे उसके एपिफाइटोटिक्स या एपिडेमियोलॉजी जो हम जिसको हम डील कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में, उसी से कंसर्न्ड ये टॉपिक है जिसमें हम वर्ल्ड में किसी कॉन्टिनेंट में किसी कंट्री में किसी स्टेट में जो भी इस तरीके का इवेंट हुआ है, हिस्टोरिकल इवेंट जो हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। एपिडेमियोलॉजी एपिफाइटोटिक्स जो भी हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड और फीड रिसोर्सेज बाय एनिमल बाय प्लांट डिजीजेस एंड दे हैव रिजल्टेड इन माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, माइग्रेशन एंड इवन डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स ऑन मैनी ओकेजन्स इन द पास्ट, एंड दे हैव क्रिएटेड डोलफुल एंड ओकेजनली एक्सट्रीमली ट्रेजिक हिस्ट्री। सेवरल ऑफ सच ओकेजन्स है चेंज द दिस थिंग, दे हैव चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दे आर वेल वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। वील डील विथ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड दीज आर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एपिडेमिक ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। द एपिडेमिक ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग 1945 टू 46 इन आयरलैंड कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड इट विल ऑलवेज नीड अ स्पेशल मेंशन, इट डिजर्व्स अ मेंशन व्हाइल टॉकिंग ऑफ प्लांट डिजीज, बिकॉज इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री द पॉलिटिकल स्टेटस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ नेशन दे चेंज बिकॉज ऑफ दिस। दिस एपिडेमिक इज पॉपुलरली नोन एज आयरिश फेमाइन, आयरिश फेमाइन के नाम से जानी जाती है हिस्ट्री में, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही राजनीतिक चेंज हुए, बहुत सारे चेंजेस हिस्ट्री में हुए और पॉलिसीज़ के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर इसके अंदर चेंजेस हुए। अब इस डिज़ीज़ में जो आयरिश फेमाइन के नाम से फेमस है, इसने पूरा आयरलैंड में पूरा का पूरा पोटैटो क्रॉप को जो था, जो वहाँ की स्टेपल फूड थी, स्टेपल डाइट थी, उसको उसने ख़त्म कर दिया था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो आयरलैंड के जो जितने भी पीपल थे वो मैक्सिमम दे मोस्ट ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, या उन्होंने माइग्रेट कर लिया एक जगह से दूसरी जगह, और जो उसकी पॉपुलेशन थी वो 80 लाख से रिड्यूस होकर के 60 लाख के आसपास रह गई। इसके साथ साथ ही दिस द डिजीज़ वॉज रेगुलरली कॉजिंग कंसिडरेबल डैमेज टू पोटैटो रिजल्टिंग इन फूड शॉर्टेज इन इंग्लैंड एंड एडजेसेंट एरियाज। इसके साथ में ही अब नेचुरली इसकी शॉर्टेज हुई तो इंग्लैंड में फूड शॉर्टेज हो गई, एडजेसेंट एरिया में फूड शॉर्टेज हो गई। इन इंग्लैंड फ्री ट्रेड एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज प्रोहिबिटेड, बट एज अ रिजल्ट ऑफ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ पोटैटो इंग्लैंड वॉज फोर्स टू अलाउ इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड स्टफ्स बाई चेंजिंग इट्स लॉज। इसका मतलब लॉज में चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर फ्री ट्रेड और इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड था, लेकिन जैसे ही ये डिजीज़ फैल गई, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पोटैटो हुई, तो उन्होंने अलाउ कर दिया फूड ग्रेन्स को और दूसरे फूड स्टफ्स को अपने लॉ में चेंज करके। तो इट वॉज एपिडेमिक ऑफ पोटैटो विच फोर्स्ड मैन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज एंड
इसी ने जो साइंस है पैथोलॉजी की उसकी तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट किया था। लाइमलाइट में हमारे पैथोलॉजी आई थी, उसके पहले पैथोलॉजी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो सबसे पहला तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1870s के आसपास एपिडेमिक ऑफ कॉफ़ी रस्ट विच वॉज जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स हैविली अटैक्ड द कॉफी प्लांटेशन इन श्रीलंका विच यूज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉफी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन प्रोड्यूस करता था? श्रीलंका। और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो प्रोड्यूस होती थी वो श्रीलंका में प्रोड्यूस होती थी। और दिस एपिडेमिक रिड्यूस द कॉफ़ी प्रोडक्शन टू सच एन एक्सटेंट बाय द एंड ऑफ 1893 दैट द प्लांटर्स स्टार्टेड फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जिन्होंने जो ये उगाते थे, जो इसके प्लांटर्स थे, वो कॉफ़ी प्रोडक्शन इतनी रिड्यूस हो गई कि उनको क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी, पैसे की उनको कमी होने लग गई, उनको अर्न जो था वो ख़त्म होने लग गया, क्योंकि वो कॉफ़ी उगा के ही अपनी इकोनॉमी चलाते थे। एंड एज ए रिजल्ट दे शिफ्टेड टू टी कल्टिवेशन। अब वो जो कॉफ़ी उगाते थे उन्होंने अपना जो कल्टिवेशन था वो कॉफ़ी की जगह क्या कर दिया? टी कर दिया। ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि उन्होंने चेंज कर दिया देयर फूड हैबिट ड्यू टू अ डिजीज़। ये एक एग्जांपल लिया जा सकता है जिसमें फूड हैबिट चेंज कर दी है एक डिजीज़ के कारण, क्योंकि पीपल इन इंग्लैंड यूज टू कंज्यूम टी एंड कॉफ़ी इक्वली बिकॉज दे वर अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम सच ऑक्यूपाइड कंट्रीज एज इंडिया। अब इंग्लैंड क्या करने लग गया कि इंग्लैंड के लोग टी भी कंज्यूम करने लग गए और कॉफ़ी भी कंज्यूम करने लग गए, क्योंकि वो मिल रही थी, अवेलेबल हो रही थी इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में। और एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम श्रीलंका केम ऑलमोस्ट टू एन एंड द इंग्लिशमैन टर्न्ड कंसिडरेबली ऑन टू टी देन कॉफ़ी। अब आप ये देखिए कितना खतरनाक एग्जांपल है कि श्रीलंका का जो था मेन कॉफ़ी का प्रोडक्शन वो इस डिजीज़ की वजह से रुक गया, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो इंग्लिशमैन थे वो यहाँ से सप्लाई होकर के वहाँ जाता था, वो सब इंपोर्ट करते थे बाहर के इंग्लैंड, उन लोगों ने अपना जो टी था उस पर वो कर दिया कि टी शिफ्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, अदरवाइज दे यूज टू कंज्यूम कॉफ़ी। तो हैबिट भी चेंज कर लिया है, पहले हमने देखा लॉ चेंज हुआ, अभी देख रहे हैं हम कि इंसान ने अपनी हैबिट चेंज कर ली। तीसरी हम बात करते हैं द एपिडेमिक ऑफ डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ ग्रेप वाइन, जो कि जिसका कॉजल है प्लास्मोपारा विटिकोला 1878 से 82। इट वॉज सो सीवियर दैट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ वाइन इंडस्ट्री इन फ्रांस वॉज थ्रेटन्ड। इतनी ज़्यादा हो गई थी ये डिजीज़ ग्रेप वाइन पर, इतनी फैल गई थी कि ग्रेप से ही वाइन का फॉर्मेशन होता है, और ग्रेप वाइन थ्रेटन्ड हो गई थी फ्रांस में, क्योंकि डिजीज़ ग्रेप वाइन की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी, और कॉजल ऑर्गेनिज्म उसका था प्लास्मोपारा विटिकोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीथल येलो एपिडेमिक डिजीज़ ऑफ कोकोनट प्लांट्स इन 1900 नोन टू बी कॉज बाय एमएलओ माइकोप्लास्मा लाइक ऑर्गेनिज्म फोर्स द क्यूबन पीपल टू शिफ्ट ओवर टू शुगर केन प्लांटेशन फ्रॉम कोकोनट। इन्होंने क्या किया कि कोकोनट में ये डिजीज़ होती है लीथल येलो एपिडेमिक डिजीज़ एमएलओ के द्वारा, माइकोप्लास्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो क्यूबन जो पीपल थे उन्होंने क्या किया कि दे शिफ्ट ओवर टू शुगर केन प्लांटेशन फ्रॉम कोकोनट। कोकोनट में सारी डिजीज़ हो रही थी तो उन्होंने कोकोनट से किस पे शिफ्ट कर लिया? शुगर केन पे शिफ्ट कर लिया। पहले हमने ये देखा लॉ शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमने ये देखा लोगों ने अपनी आदतें बदली। तीसरी बात ये हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन जो था वो शिफ्ट कर लिया पूरा क्यूबन पीपल ने, जो उगाते थे कोकोनट वो उगाने लग गए शुगर केन। अब बात करते हैं चेस्टनट्स ब्लाइट की, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंडोथीका पैरासिटिका। चेस्टनट ब्लाइट जो है ये एपिडेमिक नियरली डिस्ट्रॉयड ऑल अमेरिकन चेस्टनट
trees during 1904 and subsequent years. लगातार 1904 और उसके बाद वाले साल के अंदर जो अमेरिकन चेस्टनट था वो एक एपिडेमिक के द्वारा घिर गया और उस एपिडेमिक का नाम था ब्लाइट दैट वाज कॉज्ड बाय एंडोथिका पैरासिटिका. अबाउट 30 मिलियन बोर्ड फीट ऑफ वुड वाज लॉस्ट ब्रिंगिंग फर्नीचर इंडस्ट्री इनटू टर्मोइल. साइमल्टेनियसली द टैनिंग इंडस्ट्री विच वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चेस्टनट ट्री कोलैप्स्ड. An American leather maker became bound to find alternatives. अब आप देखो कि पूरा का पूरा scenario ही change हो गया, alternative ढूंढने लग गए क्योंकि chestnut tree जो था ये collapse हो गया. तो ये जो था जो wood जो था वो इस tree से जितना भी wood आता था वो wood पूरा industry furniture वाला जो है वो पूरा ख़त्म हो गया और tanning industry जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी इस चेस्टनट ट्री के ऊपर वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई. और अब इसकी जगह क्या आ गया, जो लेदर मेकर थे दे बिकेम बाउंड टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स. अब उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना स्टार्ट किया. तो ये जो है इस तरीके के केसेस होते रहते हैं. और नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं 1916-17 के आसपास का, जब वीट रस्ट डिजीज जो होती वो फैली थी कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनस. इट वाज सो सीवियर दैट द वीट क्रॉप वाज ऑलमोस्ट डैमेज्ड इन यूएसए. वीट यूएसए में पूरा का पूरा डैमेज हो गया था वीट रस्ट के द्वारा. कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई यूएसए में और कनाडा में. और पीपल ऑफ दिस कंट्रीज स्टार्टेड यूजिंग राइस एंड कॉर्न फॉर देयर फूड. अब आप देखो पूरी हैबिट वापस चेंज हुई है. जो इनका स्टेपल फूड जो वीट खाते थे, वीट की जगह उन लोगों ने किस पे शिफ्ट कर लिया, राइस खाने लग गए, कॉर्न खाने लगे. क्योंकि जो राइस था जो वीट था वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि रस्ट उसके ऊपर आ गई है कॉजल ऑर्गेन्स में पक्सिनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई. अब इसी तरीके से एपिडेमिक ऑफ मंकी टॉप डिजीज ऑफ बनाना कॉज्ड बाय वायरस ड्यूरिंग 1921 ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बनाना इंडस्ट्री इन न्यू साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. पूरा ख़त्म कर दिया, मंकी टॉप डिजीज हो गई उसके ऊपर, वायरस के द्वारा होती है ये बनाना के ऊपर. और ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में और क्वींसलैंड में ये पूरा का पूरा बनाना इंडस्ट्री को इसने ख़त्म कर दिया. इसी तरीके से द एपिडेमिक ऑफ बनाना लीफ स्पॉट डिजीज होती है जो कि सिगाटोका डिजीज ऑफ बनाना के नाम से फेमस है. बनाना लीफ स्पॉट डिजीज, इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला. इट रूइंड द एंटायर बनाना इंडस्ट्री इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका इन 1930s. And the industry could not be saved by 1940s when could only be saved. उसके पहले नहीं सेव, 1940 से पहले ही सेव नहीं हो पाई. 1940 एंड ऑनवर्ड्स इसको थोड़ा बहुत सेव कर पाए. और क्योंकि उस टाइम पे एक जो केमिकल था दैट वाज यूज्ड टू कंट्रोल डिजीजेस, और 1940s के आसपास ही इसका बॉडीएक्स मिक्सचर का यूज़ स्टार्ट हो गया था. एंड बॉडीएक्स मिक्सचर इट वाज यूज्ड टू कंट्रोल दिस डिजीज़ सक्सेसफुली. तो इस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया 1940 और उसके बाद. एक दो डिजीज़ की और, दो तीन डिजीज़ की और बात करते हैं. ऐसे ही रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन, वेरी कॉमन डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, अपीयर्ड इन सच अ वायरुलेंट फॉर्म इन नॉर्थ बिहार एंड ईस्टर्न यूपी ऑफ इंडिया दैट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ शुगर इंडस्ट्री वॉज थ्रेटन्ड. डायरेक्टली शुगर केन से शुगर निकलती है और ज़्यादातर ये होता है बिहार और यूपी के देशों में. यूपी में बहुत शुगर केन होता है और वहाँ पर ये वाली जो डिजीज़ हो गई रेड रॉट डिजीज़, इसने इतनी वायरुलेंट थी कि इसने पूरी जो शुगर इंडस्ट्री थी उसको थ्रेटन कर दिया था. इंडिया में बंगाल में इट हैड जो है बंगाल हैड टू फेस अ सीरियस फेमाइन ड्यूरिंग 1942 से 43 के बीच में, पॉपुलरली कॉल्ड बंगाल फेमाइन.
और ये जो थी ये लीफ स्पॉट ऑफ पैडी विच इज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, इसके द्वारा हुई थी। द यील्ड ऑफ राइस विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ फूड देयर वॉज वेरी मच रिड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, एंड पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन, सब वही मरने लग गए थे, भूख के मारे मरने लग गए, क्योंकि स्टेपल फूड था राइस, और बंगाल में तो राइस ही खाया जाता है सारा, तो स्टेपल फूड था। द बंगाल फेमाइन हाउवर प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द ऑफिशियल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर इन द कंट्री। अब आप देख रहे हो ऑफिशियल जो पॉलिसी हमारे यहाँ की कंट्री की है उसमें इसने चेंज किया, टर्निंग पॉइंट लाया ये एग्रीकल्चर में, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। इसी तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पेडी विच इज़ कॉज बाय ज़ैंथोमोनस कंपेस्टिस पैथोवर ओराइजे, दिस डिजीज वॉज थॉट टू बी कन्फाइंड टू जापान, वॉज रिपोर्टेड इन 1951 इन खापोली एरिया ऑफ अर्स्ट वाइल बॉम्बे, बॉम्बे में, बॉम्बे स्टेट में इन्होंने रिपोर्ट किया था, जो पहले जापान में होती थी। सिंस देन द अपियरेंस ऑफ दिस एपिडेमिक हैज़ बीन रिपोर्टेड टाइम एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये डिफरेंट हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में से रिपोर्ट की गई। मोर ओवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ताइचुंग नेटिव सेकेंड वेराइटी ऑफ पेडी इन आर कंट्री द बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज स्टार्टेड अपियरिंग इन इट्स सीवियर फ्रॉम वेर एवर दैट वेराइटी वॉज ग्रोन इन द कंट्री। ये वाली जो वेराइटी थी ताइचुंग वेराइटी जब ग्रो करने लग गए तो ये देखा कि बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज जो है वो और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आने लगे। वी वर दस फोर्स टू अबंडन द कल्टिवेशन ऑफ ताइचुंग वेराइटी ऑफ पैडी इन इंडिया, हमने बिल्कुल बंद कर दिया ताइचुंग वेराइटी का उगाना, क्योंकि इसकी वजह से, इस वेराइटी की वजह से ये डिजीज़ और ज़्यादा सीवियर हो गई थी। लेकिन वंस स्प्रेड द डिजीज स्टिल पोजेस मेजर हर्डल इन स्टेपिंग अप राइस यील्ड इन आर कंट्री, क्योंकि एक बार जब डिजीज आ जाती है तो उसका हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। One of the most devastating epidemic in the recent history of plant pathology was experienced by USA during 1969 to 70. ये जो leaf blight थी, southern corn leaf blight epidemic, it was caused by Helminthosporium medis, or a virulent race of this Helminthosporium medis named race T कॉज द एपिडेमिक ऑन कॉर्न, मक्का के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एपिडेमिक कॉज किया था, एंड लेड टू अ ग्रेट क्राइसिस ऑफ कॉर्न इन नॉर्थ अमेरिका एट दैट टाइम। और लास्ट हम छोटी सी एक बात और करेंगे कि ज्यूरिंग 1974 से 78 द कॉफ़ी रस डिजीज कॉज बाय हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स कॉज कोलोसल लॉसेस इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा लॉस किया था, कॉफ़ी के ऊपर डिजीज़ हुई थी, कॉफ़ी के ऊपर रस्ट हुई थी कॉज्ड बाय हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स, और इस तरीके से ब्राज़ील में बहुत लॉस हुआ था। ये जो इतने सारे मैंने अभी तुमको 13 बता दिए हैं, दीज आर द माइलस्टोन्स ऑफ एपिफाइटोटिक्स, या एपिडेमियोलॉजी की बात करें या एपिडेमिक्स की हम बात करें, जिन्होंने बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स कॉज किए हैं, ये हिस्ट्री में रिपोर्टेड हैं सारे बुक्स में, डॉक्यूमेंट दे दीज आर डॉक्यूमेंटेड इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, तो ये सारी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वील कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।